अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे राइबोसोम्स के फंक्शन के बारे में। हम आउटलाइन की हेडिंग नंबर 15 के ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, इसीलिए हमने वीडियो को स्प्लिट कर दिया है। तो ये जो है राइबोसोम्स की वीडियो पार्ट टू, हम जिसमें हम फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली इन्वॉल्व होता है और उसकी 3 स्टेजेस हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो 3 स्टेजेस कौन सी हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इनिशिएशन, द सेकंड इज एलोंगेशन एंड द थर्ड वन इज़ टर्मिनेशन, जिसको हम आज ही अपनी वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इनिशिएशन जो है वो फर्स्ट हमारे पास स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो मैसेंजर तब शुरू होती है जब मैसेंजर आरएनए जो होता है वो स्मॉलर सब यूनिट 30S के साथ जाके अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए आता है और वो मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर देता है और वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कोड जो है वो मैच करते हैं। अब इसने ट्रिगर किया है 50S को कि आपने जाके बाइंड करना है 30S के साथ, और जहाँ पे ऑल ट्रांसफर आरएनए जो है वो बाइंड करेंगे। अब ये प्रोसेस जो है इनिशिएशन इनिशिएट हो चुका है और आप फर्दर इसे मूव करना है एलोंगेशन की तरफ। तो इसलिए ये डायग्राम थी, ये स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट था, ठीक है। ये इस तरह से आया, मैसेंजर आरएनए से इसने अटैचमेंट कर ली, ठीक है। वो इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन आरएनए आया, फिर देखें हमारे पास ये लार्जर सब यूनिट था, इसको भी कंपेल किया गया कि आप जाएं और वहाँ पे जाके स्मॉलर के ऊपर अटैच कर जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनिशिएशन जो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे अब फर्दर जो है वो मूव करते हैं एलोंगेशन की तरफ। एलोंगेशन जो होता है वो हमारे पास सेकंड स्टेज होती है। अब ये क्या होता है कि दो बाइंडिंग साइड जो होती हैं 50S के ऊपर, यानी कि ए साइड और पी साइड, वो क्या करती हैं ट्रांसलेशन के अंदर जो है वो कंटिन्यूइंग जो है वो एड करती रहती हैं। पहला क्या होता है कि पहला ट्रांसफर आरएनए जो है वो ए साइड के ऊपर जो है वो कनेक्टेड होता है, और फिर जो है वो मूव करता है पी साइड के ऊपर एज अनदर ट्रांसफर आरएनए अप्रोचेस। जैसे ही पहले एक जो है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए आया, ठीक है, उसने आके कहाँ अटैच किया, उसने ए साइड के ऊपर। जब फिर क्या हुआ, जब दूसरा आएगा सेकंड ट्रांसफर आरएनए आएगा, तो ये जो एक था ये मूव कर जाएगा पी की तरफ और वो जो आके अटैच हो जाएगा वापस ए की तरफ, ठीक है। फिर जब सेकंड ट्रांसफर आरएनए आया तो उसने आके ए साइड पे बाइंडिंग कर लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनना शुरू हो गया अमाइनो एसिड्स के दरमियान और ट्रांसफर आरएनए के दरमियान, मेथियोनिन और प्रोलिन वगैरह। फिर क्या हुआ, फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए जो है वो वहाँ से डिटैच किया उसने अपने अमाइनो एसिड से और उसने राइबोसोम्स को लीव कर लिया। सेकंड ट्रांसफर आरएनए स्टिल जो है प्रोलिन और मेथियोनिन अटैचमेंट उसकी होती है, या आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा, ठीक है। ये देखें जी, ए साइट है, ये हमारे पास शो की हुई है, ये ए साइट है। कुछ इस तरह से हम डिवीजन, मतलब यहाँ पे डिवीजन है, लाइक इस तरह से डिवीजन थी। तो ए साइड पे आया पहले, ठीक है, फिर उसने पी पे मूव कर लिया क्योंकि ए साइड पे जो है अगला हमारे पास ट्रांसफर आरएनए जो रीच कर जाएगा। अब क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए जो है नाउ लेफ्ट मूव टू पी साइड, वो पी साइड पे चला जाएगा। राइबोसोम जो है वो रेडी है कि आप जो है अदर ट्रांसफर आरएनए को एक्सेप्ट करें और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हर ट्रांसफर आरएनए जो है वो अदर अमाइनो एसिड को जो है वो ऐड कर रहा है, अंदर लेता आ रहा है, और पेप्टाइड चेन जो है उसका साइज जो है, ये पेप्टाइड चेन है, यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ये देखें ये साइज जो है इसका ग्रो हो रहा है, ठीक है। इवेंचुअली जो है वो प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाएगा। हाउएवर इस तरह से पेप्टाइड चेन जो होती है उसका साइज जो है वो ग्रो होता जाएगा, और इसके बाद एक मिनट सेकेंड, ये देखें जी पेप्टाइड चेन जो है उसका साइज ग्रो हो रहा है। फिर आ जाएगी टर्मिनेशन, यानी कि लास्ट स्टेज जो है जिसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं, और ये मतलब लास्ट स्टेज है। इसमें राइबोसोम जो है, राइबोसोम वॉज मूविंग अलॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स वन बाय वन। इसमें राइबोसोम जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट के साथ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, राइबोसोम जो है वो स्टॉप कोडॉन पे आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि स्टॉप कोडॉन बेसिकली आएगा पेप्टाइड चेन के ऊपर। ये स्टॉप कोडॉन जो है वो बेसिकली सिग्नल होता है कि अब हमारे पास पेप्टाइड चेन जो फॉर्मेशन हो रही थी वो बेसिकली क्या हो गई है, फिनिश हो गई है, ठीक है। लास्ट ट्रांसफर आरएनए जो है वो राइबोसोम को लीव करेगा, लीविंग बिहाइंड कंप्लीटली पेप्टाइड, और कंप्लीट पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो हो चुकेगी। अब वो जो राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स थे हमारे पास, लार्ज और स्मॉलर, वो सेपरेट हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए से, ठीक है। पहले मैसेंजर आरएनए से सेपरेट हो गए, फिर वो खुद एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जो एंड विल रिमेन दिस वे अनटिल अनदर मैसेंजर आरएनए कम अलोंग द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस। और फिर क्या होगा कि वो दोनों सब यूनिट जो हैं हमारे पास, स्मॉलर सब यूनिट लार्ज सब यूनिट जो है वो तब तक सेपरेट रहेंगे जब तक एक नया मैसेंजर आरएनए जो है वो नहीं आ जाता, ठीक है, और वो दोबारा से अटैचमेंट होकर दोबारा से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। तब तक के लिए ये सेपरेट ही रहेंगे। ये आपको यहाँ पे टर्मिनेशन की डायग्राम नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये हमारे पास जो है देखें, ये दे है ए यू यू ए जी, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली स्टॉप कोडॉन था जो आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, यू ए जी। ये स्टॉप कोडॉन जब रीच किया यहाँ पे, तो इसके बाद इसने शो किया कि भाई पेप्टाइड चेन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे अब प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इस पर क्या हुआ कि वो मैसेंजर आरएनए से सेपरेट हो गए, और ये हमारे पास सब यूनिट जो है, यानी कि स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट भी एक जो है सेपरेट आउट हो गया, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट 3 स्टेजेस ऑफ राइबोसोम्स।
ये देखें हमारे पास ये लास्ट डायग्राम है, ये भी देखें आप डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मेन कंपोजिशन के बारे में। तो मेन कंपोजिशन जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। तो मेन कंपोजिशन क्या होती है कि ये राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन पे कंसिस्ट करते हैं। लिपिड जो होती है वो इसमें इंटायरली एब्सेंट होती है, या फिर अगर प्रेजेंट हो भी गई तो वो हमारे पास उसकी ट्रेसेस अमाउंट होती है, यानी कि बहुत कम होती है। राइबोसोम अगर इक्वली की देखें तो उसके अंदर 60-65% जो है आरएनए प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर वेट उसका देखा गया, और 35-40% जो है उसके अंदर प्रोटीन जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बायोजेनेसिस में देखा कि बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है टेक इट्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये जो बायोजेनेसिस होती है बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, यानी कि उसके जो यूनिट्स होते हैं ये बनते कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म बनते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए सब यूनिट साइटोप्लाज्म में बनेंगे। राइबोसोमल आरएनए ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पेसिफिक कोडोन, और राइबोसोमल आरएनए जो स्पेसिफिक कोडोन से बनता है, ओरिजिनेट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो ये कहाँ होता है, तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर जो है ये सब यूनिट्स बनते होते हैं, और ये प्रोसेस जो है वहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। होप सो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।